हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो है साइंटिफिक नोटेशंस कैसे लिखते हैं, इसको मैं आपको समझाऊंगी एग्जांपल्स की हेल्प से। और ये एग्जांपल्स मैंने उठाए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 के बुक बैक एक्सरसाइज से। तो चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन आखिर क्या चीज़ है। सो फ्रेंड्स, साइंटिफिक नोटेशंस कहाँ से आया, ये जब हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें या तो वैल्यूज़ बहुत ही बड़ी मिलती हैं या फिर बहुत ही छोटी होती हैं, जो कि वन से भी कहीं ज़्यादा छोटी हैं, तो उनका कैलकुलेशंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ट्रिक निकाली कि उसको 10^10 के फॉर्म में लिखा जाए नंबर्स को। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो बहुत बड़ी संख्याएँ हैं या बहुत छोटी जो संख्याएँ हैं वो एक नॉर्मल रेंज में आ जाएंगी, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बेसिक्स हैं इसके। तो साइंटिफिक नोटेशन जो भी किया जाता है वो n इंटू 10^n के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर कि कैपिटल n कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो सकता है जो कि डेसिमल के लेफ्ट की तरफ होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर लेफ्ट टू द डेसिमल। ठीक है, और स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन वो होगा कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ये तो हो गई उसको कैसे लिखा जाता है। अब बात आती है कि इसको करना कैसे है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, हमें डेसिमल को मूव करना पड़ेगा, हमें जो भी नंबर दिया जाएगा उसमें से डेसिमल मूव करेंगे। अब हमारा डेसिमल मूवमेंट दो ही तरफ हो सकता है, या तो लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड। अगर हमारा डेसिमल राइट साइड मूव हो रहा है, अगर हमने उसको राइट साइड मूव कराया, तो हम जो 10^ स्मॉल एन में लिखेंगे वो हमेशा हमारी नेगेटिव आएगी। और अगर हमारा डेसिमल जो है अगर राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड मूव करेगा, तब हमारे स्मॉल एन की वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव आएगी। या हम कह सकते हैं हमने जब डेसिमल को राइट साइड मूव कराया तो 10^ माइनस में जाएगा लिखेंगे, और जब डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव कराएंगे तो एन लिखेंगे हम अपना स्मॉल एन पॉजिटिव में, यानी कि प्लस में। चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है 0.0048। अब यहाँ पर हमें इस संख्या को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि n इंटू 10^n के फॉर्म में। वो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल को मूव कराना पड़ेगा इन सच अ वे कि डेसिमल के लेफ्ट साइड एक नॉन ज़ीरो नंबर रहे। तो यहाँ नॉन ज़ीरो नंबर हमें 4 दिख रहा है सबसे पहला, तो हम डेसिमल को मूव कराते हैं 4 के राइट तक। तो अब हमारे डेसिमल अगर हमने यहाँ पर रखा 4.8 लाइक दिस 4 के बाद, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड एक डिजिट आ गया, ये हमारा बन गया कैपिटल एन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10^ लिखेंगे, और पावर कैसे लिखेंगे, अब हमने क्या मूव कराया है डेसिमल को राइट साइड, यानी कि पावर हमारी हो जाएगी नेगेटिव में। तो हम यहाँ रखें माइनस, और कितने स्टेप कराया है, 1, 2, 3 स्टेप्स डेसिमल हमारा मूव हुआ है 3 स्टेप, तो हम 10^-3 रखेंगे। सिंपल है, एक स्टेप में एक स्ट्रोक में हमारा आंसर निकलेगा। चलिए फिर से एक और करते हैं। अब यहाँ देखिए कोई डेसिमल नहीं दिख रहा, अब क्या करें, जब किसी डिजिट में कोई डेसिमल नहीं होता तो हम उसको लास्ट में डेसिमल को एज्यूम करते हैं। अब अगर डेसिमल यहाँ पर है इस प्लेस पर, तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे कब तक, जब तक कि डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड में एक डिजिट ना रह जाए। तो यहाँ पर हम शिफ्टिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा नंबर बनेगा 2.34 इंटू 10^, क्योंकि 5 स्टेप था और लेफ्ट साइड था तो प्लस 5। प्लस को मेंशन नहीं करते हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसको हम प्लस पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका,
2.34 into 10 to the power plus 5. Next question करते हैं. अब देखिए फिर से decimal नहीं है तो कहाँ माना, यहाँ पर मानेंगे decimal को. अब decimal को move कराइए, 1, 2, 3, तो हो गया हमारा 8.008. अब ये बात भी ध्यान रखने की बात है, अगर 000 ही आ रहा है तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, अगर 00 के बाद कोई नंबर आ रहा है तो उसको मेंशन ज़रूर करेंगे अलॉन्ग विद द ज़ीरो. तो यहाँ पर हम 8 को मेंशन करेंगे, 8.008 इंटू 10 टू द पावर. फिर हमने क्या किया है, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड 3 स्टेप, तो ये होगा हमारा प्लस 3. नेक्स्ट करते हैं. अब देखिए डेसिमल को कितना मूव कराना पड़ेगा, 2 स्टेप, तो ये हो गया 5.0 इंटू 10 टू द पावर 2, या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर 2, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं. नेक्स्ट करते हैं. इसमें देख लीजिए हमारे पास जो डेसिमल है वो एकदम करेक्ट पोजीशन पर है, यानी कि इसको मूव कराने की ज़रूरत नहीं लग रही है. डेसिमल के लेफ्ट साइड में केवल एक डिजिट है जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी कि डेसिमल को मूव नहीं करना है. अब क्या करें, जब हम डेसिमल को मूव नहीं करते और फिर भी हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो 6.0012 लिखा इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि हमने डेसिमल मूव नहीं किया 0. अब एक बात और ध्यान में रखिए, 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1. तो 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0 मतलब इंटू 10 टू द पावर 1, यही इसका आंसर हुआ. और ये भी ध्यान सुन लीजिए कि जब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कभी भी डिफरेंट नहीं आएगी, ओवरऑल वैल्यू हमेशा बराबर है. यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर पहला वाला देख रहे हैं 0.0048 है और इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन 4.8 इंटू 10 माइनस 3 रखा है, इसका मतलब दोनों ही वैल्यूज इक्वल हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. इसमें हमें दिख रहा है कि हमें डेसिमल को मूव करना पड़ेगा राइट साइड, सिंपली 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप राइट साइड. तो हमने लिखा है 2.16 इंटू 4 स्टेप राइट साइड मीन्स माइनस 4. सिंपल था. एक और करते हैं सेम. यहाँ पर कितने स्टेप मूव करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप, 6 स्टेप्स राइट साइड यानी कि माइनस 6. अब पहले तो नंबर लिख लीजिए, 8.973 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. बहुत आसान था हमारा क्वेश्चन, जितना भी था सब सॉल्व हो चुका है और अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया साइंटिफिक नोटेशंस कैसे लिखनी है. इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं. अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. टिल देन थैंक यू.